not I? सफिया, सेब उठा इसके सर पर और अब गिरना नहीं चाहिए। छोटे चौधरी साहब, इसको छोड़ दो, गामू को लग जाएगी ना गोली। ओ कुछ नहीं होगा, ओ सेब पे ही लगेगी गोली सिद्धी। हाँ तो उस कार्टून में बिल्कुल वैसे ही है। चल रुक रुक, देख कैसे ऐसे में सीधा सेब पे गोली मारता हूँ, हिलना नहीं। रुक, मुझे माफ कर दे। देखे मेरे घर में कोई नहीं है, मेरी अम्मा क्या करेगी, वो मर जाएगी। खुदा का माता मुझे माफ कर दो, खुदा का माता। चल जा के सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो। मैं गोली मार दूंगा तेरे को, गोली मार दूंगा। ए सफिया, रख इसके सर पे सेब, रख। चल उठ। मां माफ कर दो इसे छोटे चौधरी, हम कोई और खेल खेले, हम पार्क जीत चले। ए को भी गोली में मार दूंगा मैं, बता रहा हूँ। चल उठ उठ, तू भी उठ। चल दोनों जाओ, दोनों जाओ के खड़े हो, दोनों रखो सर पे, उठो उठो इसको, उठो दोनों रखो सर पे। और अगर गिरा ना तो दोनों को गोली मार दूंगा मैं। सीधा खड़ा, सीधा खड़ा हो। सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे, हिला नहीं, ओ हिला नहीं। सीधे रुक, चल 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 चाचा, चल। अभी आज ना अगर मैं टाइम पे ना पहुंच गया होता ना, सफिया गई थी काम से, काके ने कसर नहीं छोड़ी थी कोई। मैंने तो बंदूक छुपा दी थी रफीक, पता नहीं इसने कहां से ढूंढ डांट के निकाल ली। मैंने बता मैं की करा। ओ भाभी, ये शहर है, कोई पिंड नहीं है, एक अद्धा बंदा मर भी गया तो बात दब जाएगी। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आप इसको कल्ला नौकरों पे छोड़कर गई क्यों थी। रफीक, भाभी आपको पता है जब से भाई जी का इंतकाल हुआ है मेरी जान इसी में फंसी रहती है। अरे मैं जाननी आ, चंगी तरह जाननी आ छोटे चौधरी, लेकिन मैं की करा, वो दरबार ते गई थी इसकी लंबी उम्र दी दुआ मांगने, चादर चढ़ाने, देगा देने। हाँ जी, बस उनकी नजर करम है तो आज बच बचा हो गया, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा पानी? डॉक्टर क्या कहता है? पर डॉक्टर आंदे बस का कम नहीं है, लेकिन एक हाल मेरे समझ बद जाता है। रफीक, क्यों ना इसका विवाह करते? अच्छा देखना रफीक, वोटी आएगी, जिम्मेदारी पड़ेगी, तभी तो इसका बचपन खत्म होगा। हाँ कल तो ठीक कह रही हैं, बस ये समझदार हो जाए, मेरे साथ जमींदारा संभाल ले, मेरा तो यही चाह है। अच्छा तू भी देख ना कार्टून। हाँ पुत्र, मैं भी देख रहा हूँ, तू देख, तू देख, मैं जरा गल कर रहा हूँ ना अम्मा से। सफिया, और सफिया मेरे मेरे पॉपकॉर्न ले आई, किसे? रफीक, तू इस वास्ते पिंड विच रिश्ता देखी इसका? नहीं नहीं भाभी, पिंड का तो आपको पता ही है, चौधरी कोई हमें अपनी कुड़ी देगा नहीं और कमियों की हम लेंगे नहीं। ते फिर की करा, इतने शहर विच क्यों ना इसका ब्याह कराते? हाँ मैं देखता हूँ कुछ। रफीक, शहर में शादी दफ्तर भी तो है। चलो चौधरी, चल बैठ, बैठ जा नीचे, बैठ बैठ नीचे, बैठ, कार्टून देख, बैठना पहले, खा बड़ी जानी है, हैं? अरे बड़ी आई। रफीक, कोई चंगी कुड़ी, कोई अच्छी लड़की लब दे मेरे छोटे चौधरी वास्ते।
जी तनवीर साहब हैं जी, उनसे कहिएगा चौधरी रफीक आए। अरे कौन है बेटा? अबा वो अब चौधरी रफीक साहब आए हैं कोई। अच्छा अच्छा चौधरी साहब है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे चौधरी साहब हमारे ऐसे नसीब, हमें बुला लिया होता हम हाजिर हो जाते आपके पास। वो क्या कहते हैं, क्या मिसाल है, कुआं प्यासे के पास आता है, बस वही है जी। अरे साहब हमारे ऐसे नसीब कहाँ, आप आइए आइए तशरीफ लाइए। आइए तशरीफ लाइए बैठ। अभी अफजल रख यहाँ पे, तू जा मैं आ रहा। और तनवीर साहब क्या हाल है आप? चाय चलेगी मेरी बेटा, चौधरी साहब के लिए अच्छी सी चाय बना। तो पी लेंगे चाय भी तनवीर भाई, जल्दी क्या है, पहले कुछ बातचीत तो कर ले। और सुनाए कैसा चल रहा है सर? बस चौधरी साहब आपको तो पता है रिटायर होने के बाद घर ही पे हूँ, देखें एक दो जगह काम की बात तो की। अच्छा पिछली बारी जब आप मिले थे तो आपने बताया था कि 3 बेटियां हैं माशाल्लाह से, शादीशुदी की है उनकी। अरे कहाँ चौधरी साहब, अच्छे रिश्ते आसानी से कहाँ मिलते हैं। बस यूं समझ लें तनवीर साहब, आपका यही बोझ बांटने के लिए आया हूं मैं। क्या मतलब? चौधरी साहब आप तो माशाल्लाह शादीशुदा है। ना 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 मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, वो अपना असद है ना, आप तो जानते हैं खानदान का बड़ा बेटा है, बस उसके लिए आपकी बड़ी बेटी का हाथ मांगना था। मगर असद तो हाँ वो थोड़ा जहन का कमजोर है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। मगर चौधरी साहब देखें तनवीर साहब, आपकी बेटी ब्याह के इतने बड़े घर में जाएगी, नसीब खुल जाएंगे उसके, और फिर आप तो रिश्तेदार हो जाएंगे हमारे। मेरे पुत्र मेरे शहजाद दूध पी ले। तो सफिया दे हाथ दूध क्यों नहीं लेंदा? ओ मैं नहीं पीना, उसके हाथ से नहीं पीना, और मैं तेरे ही हाथ से दूध पीऊंगा। तू मेरे सारे काम बड़े अच्छे करती है। तेरी माँ जो हूँ मैं, तेरी बेबे, तेनू पता है ना तेरा विवाह होने वाला है, जब तेरी वोटी आ जाएगी ना फिर वही तेरे सारे काम करेगी। थे वो तेरे जैसी है, बहुत खूबसूरत है। मैंने तेरे चाचा नु कहा है, उसकी फोटो ले आ, कल लाएगा। मेरी शादी भी वैसे ही होएगी जैसे चाचे दी हुई थी। और की
बड़ी धूमधाम नाल मैं करांगी अपने काके दे विया। हां बैंड बाजे बताशे वड्डी गाड़ी विच बारात लेकर जावांगी। ठीक है ते तू खाने में ना बर्गर रखी और मैं जूस भी पियूंगा। विया विच बर्गर कौन खांदा है? वी किस्म दे खाने रखावांगी तेरे विया विच। ओ नहीं मैनु बर्गर ही खाना है बस। मासद के तेरे लिए बर्गर मंगा लांगी। ठीक है जब तेरा विया हो जाएगा ना और तेरी वोटी आ जाएगी तब तू ज्यादा वक्त अपनी वोटी नाल गुजार। वो मेरे नाल खेड़ेगी? हाँ और की बिल्कुल खेड़ेगी। तुम्हारे पास सगीन की और तजीन की भी शादी होगी और चोई साहब ने कहा है वो दोनों शादियों के खराजात बर्दाश्त करने को तैयार है और शजील को आला तालीम के लिए बाहर भेजने को भी तैयार है। पापा पापा इससे तक नॉर्मल है? नहीं नहीं बेटा वो जहनी तौर पे बचकाना है। बेटा डॉक्टरों ने कहा है वो शादी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो शादी बेटा आदमी में जिम्मेदारी पैदा करती है। और अगर वो ठीक ना हुआ तो? ऐसी बातें मत करो मेरी। बेटा तुम पढ़ी लिखी हो समझदार हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसे ठीक कर लोगी। पापा मैं कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं। फरहान के घर वाले तैयार बैठे हैं कि तुम्हारी शादी हो तो सबीन की बारात लेकर आए। शजील शजील यूनिवर्सिटी का फॉर्म लेकर आया है। 3 लाख रुपए सालाना फीस है। 3 लाख रुपए 3 बेटियों की शादी के लिए 10 लाख रुपए शजील की आला तालीम के लिए 3 लाख रुपए सालाना और फिर घर के अखराजात इस छोटी सी पेंशन में मैं नहीं कर... कितनी गिरे अब बाकी है। डर गई ना। चल अब तू मेरे साथ खेलेगी। खेलेगी ना है? देख मैं तेरा शौहर हूं और तू मेरी बीवी है, है? चल हाथ मिला दोस्ती कर। चल ऐसे ओए क्या हो गया तेरे को? तू मेरे साथ खेलेगी नहीं है? देख तू भागेगी और मैं तुझे पकड़ूंगा। ठीक है? नहीं वो मैं नहीं। ओए ओए तू नहीं भागेगी ना तो मैं तुझे मारूंगा। देख तू भागेगी तो मैं तुझे पकड़ूंगा और जब मैं तुझे पकड़ लूंगा तो मैं तुझे दंडी काटूंगा। हाथ पे नहीं बाजू पे, बाजू पे काटूंगा। चल तू भाग भाग और भाग।
चल। पकड़ो 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 दुल्हन को पकड़ो दुल्हन को पकड़ो। वो जहनी तौर पे बचकाना है बेटा, डॉक्टरों ने कहा है वो शादी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फरहान के घर वाले तैयार बैठे हैं कि तुम्हारी शादी हो तो सबीन की बारात लेकर आए। आ जाए बाजी, आपको चौधराइन जी बुला रही हैं, आपके अब्बा और बहन आए नाश्ता लेकर। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। पुत्र, तू अब मेरी तनवीर नहीं रही, मेरी चौधरी बन गई है, चौधरी असद अली दी वोटी। और एक लड़की नू औरत बनने दे वास्ते एक नां दी जरूरत होती है, और वो नां तेरे नां दे साथ लग चुका है, मेरे पुत्र दा नां। तू समझ रही है ना मैं की कह रही हूं? जी। एक अच्छी औरत दा फर्ज होता है के घर दी बात बाहर ना करे, और मैनू यकीन है कि तू इस घर दी कोई बात अपने अब्बे नाल नहीं करेगी। हम मैं और तू मिल के असद नू ठीक कर लांगे। इस घर विच गुजरी कोई रात ते कोई दिन उसका पता किसी नू ना लगे। पता नहीं चलेगा ना? नहीं, नहीं पता चलेगा। शाबाश, जा अपने अब्बे से मिल ले। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? कैसी हो? बाबा कहाँ हैं? बाबा बाहर बैठे हैं रफीक चाचा के साथ। अच्छा बैठो। आप भी घर तो बड़ा शानदार है। पिंजरा जितना भी शानदार हो आजादी तो सलब कर लेता है ना। शुक्र करो कि इतना अच्छा पिंजरा मिला है। मैं भी तो जा रही हूँ 6 माह में फरहान साहब के चिड़िया के पिंजरे में। अस्सलाम वालेकुम बाबा। कैसा है बेटा? बस ठीक। बैठे ना बेटा। असद कहाँ है? अब वो सो रहे हैं बाबा। तो उठा देती ना। नहीं, डॉक्टर ने मना किया उनकी नींद खराब करने से, उनकी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा अच्छा छोड़, तो बेटा नाश्ता तो कर। वो दिखाई में क्या बिना? हार, हीरो का हार। वाओ बेटा आराम से, चीख क्यों रही हो? सॉरी। आप ही दिखाओ ना कैसा है हार। हार तो हार होता है ना, चाहे वो हीरो का हो या फूलों का। बेटा तुम नाश्ता तो करो। ओ मरीन, कुछ है? ओ मरीन जी जी। ओए वो
वो गामू पिंड गया है और अफजल लेकर गया अम्मा को कहीं दरबार पे, और तू चल मेरे साथ खेल। आप बैठे यहाँ पे, मैं आपको ना कहानी सुनाती हूँ। नहीं है वो कहानी वानी नहीं सुननी, वो अम्मा कहती है दिन में कहानी सुनाने से ना मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, और तू चल मेरे साथ खेल बस। तूने टॉम एंड जेरी देखा है कभी है? जी बस ते तू जेरी ते टॉम, तू छुपेगी मैं तुझे ढूंढूंगा, ठीक है? पता है मैं क्या करूंगा, तू रुक है। मैं तुझे गोली मारूंगा और तू मर जाएगी, ठीक है? अब तू छुप, गिनती गिन रहा हूं, एक दो तीन, भाग लो भाग, छुप गए। एक दो। सफिया सफिया मुझे बचा लो, सफिया हुआ क्या? उसके उसके हाथ में पिस्तौल है, आप आओ बाजी मेरे साथ। पांच जे कोई चुपे ना चुपे, मैं तो आ रहा हूं। इतारे जेरी जेरी जरे जरे, ओ मरीना वो कितने है तू, ओ मरीन, ओ सफिया। जी छोड़े चौधरी साहब। ओए ओ मरीन कितने है? छोटे चौधरी मुझे नहीं पता, वो सच सच बताओ ना गोली मार दूंगा मैं। कसम से मुझे नहीं पता छोटे चौधरी। अच्छा तो ठीक है, निकल बाहर, बाहर निकल, तुझे बहुत छुपने का शौक है ना, चल अब गोली खा। एक दो तीन। डर गई मैंने, डरा दिया। आ जाओ, बाजी कुछ खा ले, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है। मुझे भूख नहीं है सफिया, अगर कुछ खाएंगी नहीं तो कमजोर हो जाएंगी, क्या फर्क पड़ता है? औरत सारी जिंदगी जंग लड़ती है, और अगर सिपाही कमजोर हो तो जल जंग हार जाता है। आप ही तो जंग ही लड़ लेंगे ना? हाँ, एक हारी हुई जंग, मैं तो ये जंग उसी दिन हार गई थी जब मेरी शादी हुई थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आपके अब्बा ने ये शादी कर कैसे दी एक कातिल? क्या कातिल? असल में किसी को कत्ल किया? किसे? ओ, तो आपको कुछ पता नहीं?
वो असद साहब जब छोटे थे गांव में रहा करते थे तो उन्होंने वहां एक आदमी को कत्ल कर दिया था। चौधराइन जब से चौधरी साहब को लेकर यहाँ शहर शिफ्ट हो गए इसीलिए तो ये लोग गांव नहीं जाते। वहां जमीनों की देखभाल भी चौधरी रफीक करते। इसका मतलब है उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, इतना बड़ा धोखा। अगर अगर चाचा जी ने तो कहा था कि असद एक खतरनाक पागल नहीं है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। धोखा धोखा जब हो जाता है ना तब पता चलता है कि धोखा था। बैठ। आपने बुलाया था मुझे? पुत्र 2 महीने हो गए तेरे वियान। चौधरी असद तेरा मर्द है, उसका ख्याल रखा कर। माँ जी मुझसे जो हो सकता है मैं करती तो हूँ। वेख कुड़िये अपने बंदे नाल प्यार कर, तेनू सिर्फ खेल वास्ते नहीं लाई। मेरा खलोता पुत्र है, मैं चाहनी हाँ कि तू उसका वारिस पैदा कर। जी हाँ, तू उसके बेटे की मां बनेगी तो तेरी इज्जत इस खानदान विच 10 गुना बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि असद की बीमारी इसी तरह दूर होगी, ये तेरी जिम्मेदारी है, तू बीवी है उसकी। मगर अगर मगर कुछ नहीं, अपना रवैया तब्दील कर और मैनू जल्द से जल्द खुशखबरी सुना। चल जा। और सुन, तेरे पियो ने बहुत पैसा दिया है इस वास्ते कि तू असद की औलाद पैदा कर, सारी जायदाद वैसे भी तेरी होगी, मगर तू अगर असद की औलाद पैदा नहीं करेगी ना तो जैसा भी है तो चौधरी, और चौधरी लोग वारिस वास्ते दूजी शादी करने विच चूकते नहीं। बेहतर है कि तू अपनी जगह बना ले इस घर में। पुत्र मैं चाहनी हूं कि तू मेरी जगह चौधराइन बने। बाकी है छोटे चौधरी पॉपकॉर्न। बैठ, मेरे साथ कार्टून देख। अब बैठ ना। देखना उधर क्या लग रही है। असद आपकी दोस्त तो मैं हूं ना, मैं आपके साथ कार्टून देखूं? ठीक है। अरे पॉपकॉर्न खा। नहीं वो मुझे पॉपकॉर्न अच्छे नहीं लगते। ओ खा। मैं क्या खा, पसंद नहीं है? वे? वो ऐसे खाते हैं पॉपकॉर्न? तेरे को किसी ने सिखाया नहीं है पॉपकॉर्न कैसे खाते हैं? तू रुक, मैं तेरे को बताता हूं। इधर आ, इधर आ, मुखर खोल के खा। और खाना, और खाना, और मुंह खोल। और मेरे को धक्का दिया। और
किधे गई थी तू? पुत्र नई कोठी बनवा रही है ना, उठे गई सी। मैं तेरे नाल गल नहीं करनी। क्यों पुत्र, क्यों नाराज है? वो मेरी बीवी है, वो बड़ी गंदी है, वो मेरी बात भी नहीं मानती है। मैंने नहीं खेलना उसके नाल। ना पुत्र, इंज नहीं कहंदे। वो तो बड़ी सोनी कुड़ी है, तेरा कितना ख्याल कर दी है। वो कोई अच्छी अच्छी नहीं है, वो बड़ी गंदी है, गंदी है वो। मैंने कह दिया है, और मुझे दूसरी बीवी चाहिए, और इस वाली को घर से निकालो बस। पुत्र शाबाश, मेरी गल सुन। वे पुत्र दोस्तां विच लड़ाई होंदी है, फिर दोस्ती हो जाती है, फिर झगड़ा होंदा है, फिर दोस्ती हो जाती है। अच्छे दोस्त लड़के दोबारा दोस्ती कर ले, तू भी उसके साथ दोस्ती कर। मैंने दोस्ती नहीं करनी उन्होंने नाल। तू उन्होंने ख्याल रखेगा, तो वो भी तेरा ख्याल रखेगी। तू एक बार उन्हें प्यार नाल देख के सी। वो मैंने नहीं देखना है ना उन्हें प्यार नाल, नहीं देखना है, मैंने देखना ही नहीं है। चल छड़, रोटी खाई तूने? नहीं खाई। अच्छा, मैं अपने पुत्र के वास्ते बर्गर मंगवा दिया, ठीक है? तो मैं जूस भी पियांगा। चंगा चंगा। ओए गामो, ओए गामो। जी बड़ी जोर से। जा मेरे पुत्र के वास्ते जूस और बर्गर ले। ओए, गल तो पूरी सुन लिया कर, छोटी चौधरानी के लिए भी ले आ, बल्कि ऐसा कर सफियानु कही कि जाके छोटी चौधरानी पूछ ले क्या खाएगी। ओ अम्मा, और तूने उसके लिए बर्गर क्यों मंगाया? पुत्र, उसने तो कहा था कि तू आज बर्गर खाएगा। से कपड़ा लिया, मेरा दर्जी आंदा है ना घर पे, उसको दे देना, सी देगा वो तेरे कपड़े। अब वो नहीं माँ जी, मैं अपने कपड़े ना मौलवी साहब की बीवी से सिलवाती हूँ, वो मस्जिद के पास ही रहती है, अगर आप इजाजत दें तो उसी से सिलवा लूं। चल चंगा, चली जा, सईद नू ना ले जा और गाड़ी दुकान के करीब खड़ा कर। तू अकेली जाएगी? वो सफिया को ले जाऊं?
हाँ ओए सफिया, ओ सफिया, पता नहीं कितने मर जाएंगे। जी चौधरी जी। छोटी चौधरानी के साथ बाजार जा, उसको कुछ खरीदना है। जी अच्छा, शुक्रिया माँ जी। अस्सलामुअलैकुम। आपका सारा मामला सफिया बहन ने बताया था, मगर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। आप ये बताएं कि असद साहब जानते हैं कि आप उनकी बीबी हैं? जी जी, वो मुझे बीबी कह के पुकारते हैं। आप समझी नहीं, क्या वो इस रिश्ते की अहमियत, इसकी हैसियत, हुकूक, फराइज और इस रिश्ते की हकीकत से वाकिफ हैं? पता नहीं बहन, दीन अल्लाह ताला ने इंसानों की फलाह के लिए उतारा है। इसमें वाज़ह तौर पर तमाम इंसानों के हुकूक दे दिए गए हैं, ख्वाह वो औरत हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, बीमार हो या सेहतमंद। अल्लाह ताला किसी के साथ हक तल्फी का रवैया नहीं रखता, क्योंकि उसी ने सबको पैदा किया है और वो सबको एक जैसी मोहब्बत करता है। शरान एक शख्स, मर्द हो या औरत, अगर वो इस निकाह की जिम्मेदारी को नहीं समझता तो इसका निकाह जायज नहीं है, चाहे वो जिस्मानी तौर पर जितना ही सेहतमंद क्यों ना हो। मगर मेरा निकाह? अस्सलाम वालेकुम। बड़ी देर कर दी। मैंने आपसे एक बात करनी थी माँ जी। बैठ इधर। माँ जी, आपसे माफी मांगनी थी मैंने। किस गलती माफी? मैं अस्पताल गई थी। अस्पताल? पर तू तो झूठ बोला था मैंने आपसे। ऐसी क्या जरूरत होगी कि तूने झूठ बोला है? अगर तबीयत खराब थी और अस्पताल जाना था तो मैं तुझे मना तो नहीं करती। माँ जी, मैं माँ बनने वाली। ओए ओए, मैं सत के जावा, भारी जावा, तो तूने बताया क्यों नहीं? ओए सफिया, अफजल है, दामू मेरी इन पुत्र, मैं तो दरबार पे जा रही हूँ, तू भी चल मेरे साथ। एक मिनट माँ जी, आपने पूरी बात नहीं सुनी अभी मेरी। हाँ कुड़िये बोल, की गल है? अब जबकि मैं आपके पोते की माँ बनने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ कि अपनी जायदाद में से आधा हिस्सा आप मेरे नाम कर दें। ओए, तू पागल तो नहीं हो गई है? कुड़िया अपनी औकात विच रही। क्यों, मेरी और आपकी औकात में आपको ज्यादा फर्क तो नहीं रहा? आप चौधरियों के एक पागल बेटे की माँ हैं और मैं चौधरियों के एक नए बेटे की माँ बनने वाली। जबान ना चला कुड़िए, तू अभी माँ नहीं बनी और मैनू माँ बन के 25 साल हो गए। अगर असद की औलाद तुझसे हो सकती है तो किसी से भी हो सकती है। तू अभी उसके बेटे की माँ नहीं बनी है, इतना घुमण ना दिखा। ये भी हो सकता है कि कुड़ी हो जाए। तो फिर आप, अगर आपने इसी वक्त अपनी जायदाद में से आधा हिस्सा मेरे नाम ना किया तो मैं कोर्ट जाऊंगी। निकाह हुआ है मेरा असद के साथ, मैं अपना कानूनी हक इस्तेमाल कर सकती हूँ। निकाह? तो ये तू कोर्ट में जाएगी, जा शौक ना जा, कुछ नहीं मिलने वाला तुझे वहां से, कुछ भी नहीं, क्योंकि तेरा निकाह असद के नाल हुआ ही नहीं।
एक पागल के साथ निकाह नहीं होता। बस यही सुनना चाह रही थी मैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माजी कि आपने अपने मुंह से कबूल कर लिया। एक पागल के साथ निकाह जायज नहीं है। मैं जा रही हूं। पर बच्चा, झूठ बोला था मैंने आपसे माची। मैं कोई मावा नहीं बनने वाली, बस आपसे सच उगलवाने के लिए यही करना पड़ा मुझे। खुदा।